देश के इन रणबांकुरों को, देश के इन जवानों को शत शत नमन, देश के इन जवानों को सलाम। 20 साल पहले जिस तरह से कारगिल को एक बार फिर फतह किया था उसकी पूरी कहानी बयां करती है, लेकिन उस युद्ध में भारतीय सेना के साथ साथ एक आम आदमी भी किस तरह से लड़ रहा था, जिसका जिक्र मेजर जनरल के सेना ने किया। बिट्टा साहब, मुझे लगता है कि आतंकवाद की जो लड़ाई है वो बहुत पुरानी हो गई, और किस तरह से आम आदमी भी जुड़ा हुआ है इस लड़ाई से, सेना के साथ खड़ा है, मुझे लगता है उस बारे में आप बेहतर बता पाएंगे। सबसे पहले तो मैं, ये हमारे जो जिंदा शहीद जी, जिन्होंने पता नहीं कितनी जंगें लड़ी होंगी, मैं इनको सलूट करता हूं, इनको सलाम करता हूं, जिनके कारण आज हम सारे आजाद बैठे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, कारगिल की इस लड़ाई में मैं, इन्होंने तो मौत का कफन बांध करके अपनी सीमाओं की, मातृभूमि की, आज़ादी की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। कई चले गए और ये जिंदा शहीद की तरह हमारे सामने बहादुर जर्नल बैठे हैं। मैंने उस वक्त शहीद परिवारों के लिए जो संघर्ष किया, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में हमारे जवानों की खून से लथपथ बॉडी उनके घर आ रही थी, और एक घर में गया मैं, महेंद्रगढ़ में, एक जवान के पिता से पूछा, क्या सरकार ने आपकी को मदद की? और वो कहने लगे, एक एसडीएम संस्कार के लिए 5,000 रुपया दे गया और लाश की कीमत लगी थी 70,000, और ये दो बच्चे हैं, ये बड़े होंगे, ये भी फौज में जाएंगे, मेरे बेटे की शहादत के बाद और बच्चों को मैंने अडॉप्ट किया था, और निकला था पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां मैं जा सकता था, और मैंने कहा लाश की कीमत नहीं लगेगी, लाश का अपमान नहीं होगा, इन शहादतों की इज्जत होगी। और विज्ञान भवन में उस वक्त वो जनरल 71 के हीरो जगजीत सिंह अरोड़ा, एयर मार्शल मेरा और कुछ लोग, नॉन पॉलिटिकल लोगों को लेकर के फंक्शन किया, सरकार ने दिया 70,000, 1,00,000, और हमने खून पसीने से उस वक्त 2-2,00,000 की सहायता की, कोई मदद नहीं की सरकारों को जगाने के लिए कि लाशों की कीमत मत लगाइए, इनके परिवारों को संभालिए। और उस वक्त के बाद फिर सरकारों ने पेट्रोल पंप, फिर स्टेट गवर्नमेंट जागी, और आज संघर्ष, आज वो आंदोलन कहां चला गया? आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने 1 करोड़ सेंटर से स्टेट में 1 करोड़, आज शहादतों का अपमान नहीं होता, परिवार पैसे नहीं मांगता, बिल्कुल, परिवार ये कहता है कि हम, हमारा बेटा, हमारा पति चला गया, बिल्कुल, और हमारे बच्चों को संभालने वाला है, आज सरकार संभालने के लिए तैयार खड़ी है, हमें इस चीज का फक्र है।